सब खुशी ने बनाया है। ठीक है गाइस, खाना भी अच्छी बनाती है और अचार वगैरह सब कुछ क्रिएटिव है ये लड़की। पहली बार तारीफ सुन के अच्छा लगा ना। हम पहुंच चुके हैं भूटान, तो अभी जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। वो देख सकते हो भूटान का किंग क्वीन और बच्चे लोग। वो सीधा का जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, मैं वहीं पे काम करता था पहले। मेरे को महीने का 1800 मिलता था। 1800 गाइस, मुझको इतना बताए कोई। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ 10 बजे। तो गाइस, अभी मैं सबसे पहले तो खाना खाने जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है? तो देख सकते हो गाइस, सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा 3 अंडा और ये ओट्स है, सो मस्त खाते हैं इसको, ठीक है? तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, खाना वगैरह खा लिया है और खुशी को सामान देने जा रहा हूँ। तो ये कुछ सब्जी वगैरह है, फल फूल वगैरह देख सकते हो, सो ये वगैरह देने जा रहा हूँ। तो अभी उसको दे के आता हूँ, पापा लेके आए थे ये। मैं सोच रहा हूँ चलो आज वीडियो नहीं बनाएंगे, आज मैं भूटान जाऊंगा वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, ऐसे मन किया, जिम नहीं जाऊंगा आज। मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी, मतलब ब्लॉग करके। यूट्यूब का दोस्त, अरे अरे, दोनों फिर से मिल गया। यूट्यूब का दोस्त देख सकते हैं, यूट्यूब का दोस्त, इसका नाम ब्रूस है, सफेद वाला का। तो अभी मैं ये वाला प्लेस से जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, ठीक है? जल्दी पहुँच जाते हैं। ये देख सकते हैं नदी के सामने, एक हाथ से हैंडल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे को। तो गाइस, अभी खुशी का घर पे पहुंच चुका हूँ, खुशी को दे दिया है साग वगैरह जो भी है। हेलो बोलना है। और खुशी ने बनाया ये स्पेशल अचार, देख सकते हो। लेकिन हाँ, अचार मस्त बनाती है, ये सब खुशी ने बनाया है। ठीक है गाइस, खाना भी अच्छी बनाती है और अचार वगैरह सब कुछ क्रिएटिव है ये लड़की, है ना? हाँ, पहली बार तारीफ सुन के अच्छा लगा ना। अभी इसका तबीयत खराब है, सो आज ये घर पे रहेगी और मैं तो चला जाऊंगा अभी यहाँ से। मेरे को शाम को भूटान भी जाना है, ठीक है? तो अभी घर जाते हैं, मिलते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से रेडी होता हूँ क्योंकि 4 बज चुका है और अभी रेडी होके मेरे को भूटान भी जाना पड़ेगा जॉगिंग के लिए। तो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी निकलने वाला हूँ, 4:30 बज चुका है। और कैमरामैन को भी बोला है मैंने कि डायरेक्ट भूटान गेट पे आ और मैं वहीं पे मिलूंगा उससे, ठीक है? पहुंच चुके हैं भूटान, तो अभी जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये रहा टाउन पे, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये इसको कैमरा करने के लिए बुलाया था मैंने और हम दोनों जॉगिंग करेंगे, ट्रैक पिन लगा के आए हैं, ठीक है? ये देखो शाम के वक्त, अभी यहाँ पे गुम्पा में भी दर्शन कर लिया। सो अभी यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं जॉगिंग करने। हाँ, प्लेस हम लोग को पता है, पहले मैं जाता था वहाँ पे, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे नीचे जाएंगे, इधर से, मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा, नीचे नीचे जा रहे हैं, 5 बजने वाला है, जल्दी जल्दी करके आएंगे क्योंकि रास्ता भी थोड़ा दूरी है, ऊपर जाना पड़ेगा पहाड़ों के ऊपर, ठीक है? वो जो दादाजी आप लोग को बैठा हुआ दिख रहा था आप लोग को वहाँ पे पैसा मांगते हुए, उसका पास मैं गया, मैंने 20 रुपीस दिया अंकल को, लेकिन पैसे इतना मोटा कमाया है, ठीक है? इतना मोटा था पैसा, हम लोग से भी ज़्यादा कमाई हो रहा है उसका। वीडियो पे नहीं दिखाया देते समय क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। सो वीडियो ऑफ करके मैंने जब दिया, हाथ पे देखा तो इतना मोटा पैसा है, वाह, कमाई खतरनाक होता है। ये देखो, यहाँ से भी पहुँच जाएंगे, हाँ यहीं से तो जाएंगे हम लोग, नहीं उधर से, उधर वाला रास्ता से जाएंगे, ये आते समय ये रास्ता से आएंगे हम लोग, यहाँ वाला रास्ता से, जहाँ से भी पहुँच जाएंगे वो रास्ता, छोटा सा टाउन है। वो देख सकते हो भूटान का किंग क्वीन और बच्चे लोग, ये है भूटान का किंग, ये भूटान का बस स्टॉप पुंचिलिंग का, ये टाउन का बस स्टॉप है ये प्लेस। क्योंकि यहाँ पे पानी खरीदने जा रहे हैं, पानी भी जरूरी है, अभी थक जाएंगे, फिर वहाँ पे कैंटीन है शायद, पानी सब, पानी वाटर एवटा। तो गाइस, पानी भी खरीद लिया, आंटी तो बात भी नहीं कर रही थी, क्या हो गया? सो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से रिटर्न, ले पकड़ पानी, मैं पैसे दे रहा हूँ,
बात ही नहीं कर रहा है, रिसीव भी नहीं कर रहा है। मैं तो ऐसे जाने वाला था। और यहाँ पे देखो कुलिन नंबर वन हीरो जो इंडिया का वर्कर्स है, यहाँ पे भूटान पे काम करते हैं। अभी यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, सो हम लोग यहाँ से जाएंगे सीढ़ी से। और गाइस एक चीज दिखा देता हूँ, वो सीधा का जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, मैं वहीं पे काम करता था पहले भूटान फर्नीचर पे। तो यहाँ से जाना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि ये रास्ता शॉर्टकट है, ठीक है, जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग जहाँ हम लोग जाते थे। तो पहले का जितना भी याद था सब कुछ ताज़ा हो गया। जो मैंने बिल्डिंग दिखाया था भूटान फर्नीचर, वहाँ पे मैं काम करता था, मेरे को महीने का 1800 मिलता था। 1800 गाइस, एक महीने का मैं वहाँ पे काम करता था, सोचो वहाँ पे। सो घर से सुबह सुबह आता था और शाम को 6:30 बजे छुट्टी होता था। यार ताज़ा हो रही है मेरा, ये रास्ता तो मैं कितना बार चल चुका हूँ। पहले जिम नहीं करता था, पैसे नहीं हुआ करता था मेरे पास जिम के लिए, सो मैं यहीं पे आता था जॉगिंग के लिए, फिटनेस के लिए, ठीक है। बचत नहीं था मेरा, तो इसलिए मैं रोज आता था यही जगह। कैमरा मैन तू तो दौड़ता भी नहीं है, तू क्यों आया? जा घर जा घर जा घर जा घर जा 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 घर जा घर जा 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 बोल रहे हो घर जा बोल रहे ना जा। फालतू में क्यों आया? हम लोग बोल रहे थे इसको मत आ मत आ, पीछे पीछे दो दौड़ के आया। थक गया बहुत साल बाद आज फिर से ये सीढ़ी पे चढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसलिए थक गया, लेकिन बहुत लंबा है हाँ ये सीढ़ी। गाइस हालत खराब हो गया मेरा, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, पसीना इतना खतरनाक निकल रहा है ना, गर्म गर्मी लगना शुरू हो गया मेरे को। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ से देख सकते हो फुंचीलिंग दिखाई देता है, फुंचीलिंग टाउन वगैरह यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ये है पेप्सी फैक्ट्री, फुंचीलिंग का जो है पेप्सी फैक्ट्री है, यहाँ पे पेप्सी बनाया जाता है। और हम लोग जहाँ जा रहे थे वो प्लेस भी पहुँच चुके हैं, वहीं पे टर्निंग पे। फिलहाल मेरे को नहीं पता कि वहाँ पे जो हम लोग एक्सरसाइज करते थे वो सामान है कि नहीं है, ठीक है। और ये अच्छा है, ये देखो ये भी बिगड़ चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है। मतलब 3 साल आगे मैं यहीं पे आता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करता था जिम करने का। आने के बाद भी जो वर्कआउट करने के बाद जो प्रोटीन होता है वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो मैं क्या करता था यहाँ पे आके 1 घंटा रोज खुद को टाइम देता था। उसके बाद घर जाने के बाद मैं पानी खा के सो जाता था, क्योंकि मेरे पास अंडा खरीदने का भी पैसे नहीं था। स्ट्रगल बहुत किया है लाइफ में, ये याद ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये पहले ऐसे कुछ नहीं था, ये सब कुछ अच्छा था, यहाँ पे जंगल वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ पे आके रोज मैं 1 घंटा देता था खुद को, मैं अकेला आता था रोज गाइस रोज घर से। अभी तक मैं कुछ भी नहीं बना हूँ, लेकिन पहले जो था उससे अच्छा ही हूँ मैं आज। इसकी मैंने दिखाया काम करने का जगह, अभी वहाँ पे काम करता था मैं, महीने का 1800 मिलता था, 1800 मिलता था। 1800 मतलब आप लोगों को पता है कितना कम अमाउंट है। सो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूँगा, वर्कआउट वगैरह ऐसा कुछ लेके आता था घर से, और इसको ऐसे सुला के यहाँ पे सो के ऐसे वर्कआउट वगैरह करता था। और फिर यहाँ पे जाके फैक्स का यहाँ पे अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। हम लोग आए थे नीचे से, जा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। यहाँ से एक राउंड मार के नीचे नीचे से एग्जिट पे निकलेंगे। रास्ता सब कुछ पता है यहाँ का हम लोग को। मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल लगाए कोई, केसरिया तेरा इश्क है प्यार रंग जाऊं जो। बस नहीं क्यों गाऊं। बम्बू का गाना कैसा लगा आप लोगों को? मैंने इसको मतलब रिक्वेस्ट करके गाना गाने के लिए बोला था इसको। एनीवे गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। रोज हम लोग जब भी वर्कआउट करने आते थे तो यहाँ पे दर्शन लेके ही जाते थे, तो इसलिए आज भी आए हम लोग। ये देखो मंदिर शांत एरिया पे एकदम, वहाँ पे देखो ये देखो गणेश जी पत्थर का बन गया है, खुद बन गया है। पत्थर का नहीं है वो, पत्थर का भाई पत्थर ही है। यहाँ पे है डोनेशन बॉक्स वगैरह, ये बहुत ही अंदर है भूटान का। गणेश जी हनुमान जी सब भगवान का मूर्ति है, फोटो वगैरह है।
तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से अभी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, जैसे कि मैंने कहा था आते समय हम लोग यहाँ से आएंगे। तो नीचे ऐसे दिखाई देता है, हाँ वीडियो बनाने का मूड है मेरा अभी, सो आप हम लोग नीचे जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, देख सकते हो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये नीचे वाला रोड पे, और वीडियो बनाने का मूड है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से गाड़ी वगैरह जा रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मतलब नहीं बना पाऊंगा शायद, क्योंकि गाड़ी वगैरह बहुत जा रहा है यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन क्या है ना यहाँ पे नेटवर्क एकदम जीरो, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, सो नहीं बना पाऊंगा। ऐसे मतलब भूटान का ऐसा बहुत कम जगह है जहाँ पे नेटवर्क मिलता है इंडिया का, और बहुत सारे जगह पे नहीं मिलता है। हम लोग बाहर निकल चुके हैं, मतलब टनल से बाहर निकल चुके हैं, टनल है वहाँ पे। सो अभी हम लोग रोड पे आ चुके हैं और यहाँ से घर अभी। ठीक है, अभी हम लोग पार्क की तरफ पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ से सीधा एग्जिट की तरफ। ठीक है, बाहर निकलने के बाद मिलते हैं, क्योंकि रात भी हो चुका है अभी। बाहर जाने के लिए इतना ज़्यादा लाइन है यहाँ पे एग्जिट के लिए। ठीक है, देख सकते हो लाइन। ओ चलो अभी हम लोग पार्क पे जाके रेस करेंगे, बहुत खतरनाक भीड़ है भाई बाहर जाने के लिए। चल चल वहीं पे जाके वेट करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है गेट पे एग्जिट करने के लिए कितना ज़्यादा भीड़ था, सो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बाद में जाएंगे जब भीड़ कम हो जाएगा। देख सकते हो पार्क में कितना पीस वाला सीन है, लोग आराम से बैठे हुए हैं, देख सकते हैं सब लोग आराम से मस्त बैठ के टाइम पास करते हुए लोग वगैरह। जानते पेरी पार्क है प्लेस का नाम, वो अभी खाली हो गया, देखा हम लोग बाद में आए तो खाली है अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे ₹3 चार्ज दे चुका हूँ मैं, तीन जाना। वेलकम टू इंडिया। तो गाइस इंडिया, चल चल। तो गाइस यहाँ पे मैंने रखा था स्कूटी, सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर फाइनली। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, और आई होप कि आप लोग को आज का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी मेरा पहले का याद वगैरह था वो ताजा करने गया था, और ऊपर से आज जिम भी जाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैं गया था वॉकआउट करने, वहाँ पे जॉगिंग करने, और मजा आ गया मतलब। और आते समय इतना ज्यादा भीड़ था ना, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ी देर मतलब पार्क पे जाके रहते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं ना, उसके बाद निकलेंगे। यहाँ से कंपेयर करें तो वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत अच्छा है, सो इसलिए। सो घर आ गया हूँ अभी फाइनली, और अभी खाना खाने जा रहा हूँ। खाने में क्या है दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, मछली, जो मिर्ची, और ये है स्कूस, और ये है साग चावल, और यहाँ पे है चिकन। तो अभी मस्त खाते हैं गाइस, खाने बाद मिलते हैं। ठीक है, तो है गाइस गुड मॉर्निंग, कल रात को खाना वगैरह खा के सो गया था, आई एम सो सॉरी ब्लॉग नहीं कर पाया उससे ज्यादा। तो अभी फाइनली वीडियो को यही पे एंड करता हूँ, मैं अभी भी सो के उठाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लव यू ऑल।